हम देश में 10 करोड़ से ज्यादा बच्चों को, गर्ल्स और प्रेग्नेंट वीमेन को पोषक आहार उपलब्ध कराते हैं। अब समय है कि हम खाद्य वितरण कार्यक्रम को डाइवर्सिफाइड फूड बास्केट की दिशा में ले जाएं। इसी तरह हमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को और कम करना होगा, पैकेजिंग में और बेहतर टेक्नोलॉजी लाने के लिए काम करना होगा, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए फूड वेस्टेज को भी रोकना एक बड़ी चुनौती है। हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे होने चाहिए जिनसे वेस्टेज रुके। टेक्नोलॉजी भी इसमें एक अहम रोल अदा कर सकती है। हमें पेरिसेबल प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी होगी, इससे वेस्टेज भी कम होगा, किसानों को भी फायदा होगा और प्राइस फ्लक्चुएशन को रोकने में भी मदद मिलेगी। हमें किसानों के हितों और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के बीच भी संतुलन बनाना होगा। मुझे विश्वास है इस आयोजन में ऐसे सभी विषयों पर विस्तार से विमर्श होगा। यहां जो निष्कर्ष निकलेंगे उनसे विश्व के लिए एक सस्टेनेबल और फूड सिक्योर भविष्य की नींव पड़ेगी।